सबसे पहले तो भाई मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल के ऊपर खोज हरियाणा के ऊपर। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि एक मामला हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है आजकल। मामला क्या है? परवीन और ज्योति का घरेलू मैटर है। ज्योति जी जो हैं वो परवीन को छोड़कर अपने घर अपने मायके गई हुई हैं अपने माता पिता के पास। इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी दो संतान हैं, एक 3 साल की गुड़िया है और एक छोटा 2 महीने का बच्चा है। उनका पति पत्नी का आपसी मनमुटाव था, वो गई हुई थी, लेकिन मीडिया के अंदर लोगों के अंदर जनता के अंदर ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल है। आपको बताऊं इस मामले में 3 तारीख को खरकोदा कोर्ट के अंदर ज्योति और प्रवीण की जो है भाई तारीख थी, लेकिन उस तारीख को जो है ज्योति जी की जो वकील थे और उनके फैमिली ने एक अप्लीकेशन दी थी, एक जो है डॉक्टरी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कोर्ट के अंदर कि भाई ज्योति जो है वो रिपट कर लिपट कर तिछड़ गई या तिछड़ कर पड़ गई और पैर में चोट लग गई। वो डॉक्टरी रिपोर्ट को जो है कोर्ट ने मान्य कर लिया था। उसके बाद आज जो है 5 तारीख को पंचकुला कोर्ट के अंदर जो है इनकी काउंसलिंग थी। पंचकुला कोर्ट की बजाय अगर मैं महिला आयोग कहूँ तो और अच्छा रहेगा, महिला आयोग के अंदर जो है इनकी काउंसलिंग थी। लेकिन वहाँ भी आपको जो मैं अपडेट देने वाला हूँ बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले हरियाणा खोज हरियाणा के ऊपर जो आपको मिल रही है कि ज्योति आई या नहीं उसके बारे में ये अपडेट है। एक चीज़ और बता दूं आपको, ज्योति आई या नहीं वो आपको जो है आगे पता चलेगा, क्योंकि मेरी और प्रवीण भाई की बातचीत हुई थी फ़ोन के ऊपर और वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा। उनका जो बच्चा है 2 महीने का बच्चा, उसकी तबीयत भाई बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और शायद एडमिट भी करवाना पड़ जाए। अब छोड़ता हूँ आपको रिकॉर्डिंग के साथ कि ज्योति आई या नहीं आई, वो आप आगे रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। हाँ प्रवीण भाई, हाँ जी, आज फिर आपके साथ कोई कौन पूछे, मतलब आप अकेला फैमिली फैमिली जा रहे थे या फिर पंचायत वगैरह लेके जा रहे थे साथ में? नहीं, हम फैमिली के जा रहे थे, पंचायत का तो काम ही नहीं था अपने। नहीं, जैसे आप 3 तारीख को खरकोदा में भी, तो आपके साथ जैसे आपकी वो सिस्टर आई हुई थी आपके धर्म की बहन। आज मैं, मम्मी पापा और मेरे बच्चे। अच्छा, गाड़ी लेके आए? हाँ, और मेरे काका वाला लड़का। अच्छा, मतलब फैमिली फैमिली गई थी बस। जी, फैमिली। तो फिर जैसे मतलब कितने बजे पहुंचे आप कोर्ट? सुबह आप तो टाइम पे पहुंच गए होगे। हाँ, रात को चला था मैं 9 बजे, 6 बजे घर से, तो रात को फिर वहीं पे स्टे किया। कहाँ? तो सुबह पंचकुला चंडीगढ़। हाँ, पंचकुला। पंचकुला, हाँ। फिर सुबह 10 बजे पहुंच गया था मैं दफ्तर में। अच्छा, सुबह टाइम से पहुंच गया। और वो आए नहीं, मतलब ज्योति की फैमिली से? नहीं, ज्योति की फैमिली में आए थे, उसके भाई आया था, उसका दादा आया था, 2 पर्सन हो रहे थे, उनको मैं जानता नहीं, जो भड़का रहे हैं, सारा मामला खराब कर रहे हैं। तो फिर आपने उनको बोला नहीं भाई, मतलब आप ऐसा मत करो या फिर ये हमारा भाई बस जान दो सुधरने? कैसे बोली, तो मैडम ने ही बोल दिया अब ज्योति को लेके आओ, ये मेडिकल से काम नहीं चलता, उनको समझाया है, अभी बच्चे को तो रखो। अच्छा, वो मेडिकल उस दिन वाला वो का वो दिखा दिया, नया मेडिकल दूसरा? पता नहीं, वो दिखाया दूसरा दिखाया, ये नहीं पता मेरे को। आपके वकील ने भी नहीं चेक किया? वकील नहीं था ना, वकील का काम ही नहीं था, महिला आयोग में थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, पंचकुला महिला आयोग सेक्टर 4। तो मैडम क्या बोली? मैडम ने बोल समझाया उनको भी, देखो समझ में आया या नहीं आया, 17 तारीख को तो लेके आना पड़ेगा हर हाल में जो। अच्छा, 17 तारीख की फिर से है क्या काउंसलिंग? हाँ, हर हाल में आना पड़ेगा 17 तारीख को तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेडिकल से काम नहीं चलेगा। अच्छा, साफ साफ बोल दिया मैडम ने, आज फटकार लगा दी। हाँ, ये बोल दिया कि मेडिकल से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, बच्चे को तो, बच्चे का क्या कुछ, बच्चे की जान को खतरा, तो फिर एडमिट वगैरह करवा लो ना भाई, अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है तो। भाई अभी रस्ते में तो कहाँ एडमिट कराऊंगा, अभी तो ठीक है, देखता हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो फिर सुबह एडमिट कराऊंगा भाई, समस्या तो ये हो रही है ना भाई। पहुंच कर देख, क्योंकि बच्चे भाई बहुत छोटा बच्चा यार, ये तो 2 ढाई अपना वर्ग बीमार हो जाए तो अपना वर्ग के दिक्कत हो जाएगी। तो है ठीक है भाई, मुसीबत तो पड़ रही है, ये कती नहीं सोच रहे, बंगाली माटा गिल्ला काम हो रहा है तेरे गेल तो। बच्चों की तबीयत ना भाई आओगी मरमाओगी। वैसे देखो आपकी फैमिली जल्दी तो जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी, अगर यो केस उलट जाए तो अच्छी बात है भाई। भाई नो बताओ, हमारी तो गलती के है, नो बताओ, सारे का मानना लग रहे, फिर भी ना होते हुए भी गलती मानना लग रहे, समझ में नहीं आ रही, वे चाह के रहे हैं।
नहीं उन्होंने जैसे आपने गलती माने तो कोई वो भी रखी कंडीशन रखी थी क्या मतलब? या कंडीशन रखेंगे किसके पास सामने, जब मेरी वाइफ ही नहीं है तो ये क्या कंडीशन रखेंगे? दी आप कह रहे हो ना भाई हमने सारी गलती मान ली भाई, मैं तो सारी वो तो मैं 2 तारीख को आ नहीं रही थी क्या वो तब नहीं रही पहली वीडियो में बोला था मगर चलो कोई नहीं, मैंने अपना घर बसाना मैंने उजाड़ना थोड़ी ना भाई। अरे मैं तो फिर मान लूंगा पर वो तो आए कोई गलत थोड़ी ना यार, अपना बालका ना संभाल है मन्ने की करना नो बताओ बच्चों को मन्ने कोई उसका गिल्ला सिखवा नहीं कुछ नहीं क्योंकि ये पर ये समझ में नहीं आ रही एक बार के चाह के रहे है बच्चों को माँ मिल जाए भाई क्योंकि बच्चा देखो 2 महीने का नु का डॉक्टर भी नु बताऊं भाई 5-6 महीने तक माँ का दूध बहुत जरूरी हो बच्चा खातर और ये तो नहीं जाता उम्मीद हो जाएगा बच्चा एंडोर हो जाएगा अगली तारीख ज्योति के सामने आते ही हो जाएगा। आप बच्चा ज्योति जी को दे रहे हो? ज्योति को हैंड ओवर करवाऊंगा ना और बच्चे की ज्यादा जरूरत हो, बच्चे को अभी माँ की है ना फिलहाल 2 महीने का ही तो अभी हाँ बिल्कुल भाई माँ का दूध बिना समस्या तो ये है ना पालन पोषण कैसे होगा माँ का दूध नहीं मिला लपड़ा तो ये है फादर होते हैं कमा के दे सकते हैं फादर से बच्चे नहीं पलते कभी भी किसी से पलते हो तो कोई बता दो। सही बात है भाई माँ का दूध तो जरूरी है बाप दूध कितने पैदेगा फिर बोल तो दिया ना मैडम ने आज बच्चे को तो रखे अपने साथ और बैठ के बात करे क्या बात ऐसे थोड़ी ना तो जो तुम बात बता रहे हो ये कोई बात थोड़ी ना है उन्हें वही डिसिपिटी बात कोई मेन रीजन नहीं बता रहे कुछ नहीं बता रहे कह रहे हम कुछ नहीं कह रहे नहीं तो फिर चोट लगी है तो भाई मतलब रीजन तो बताना पड़ेगा ना भाई चोट कैसे लगी। हाँ चोट नहीं बता रहे आज कह रहे हैं ब्लडिंग होगी थी ब्लडिंग किस चीज से ब्लडिंग हाँ किसी से ब्लडिंग होगी ये समझ में नहीं आ रहा मैं तो कभी किसी चीज का मेडिकल कभी किसी चीज का मेडिकल राम जाने वो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उस दिन अलग उस दिन तो आप बता रहे थे आपने वीडियो में बताया था भाई कि मतलब वो फिसल के गिर गई थी जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही मैंने बताया। फिर शाम को जब हम सिंगू गांव गए थे फिर वहां से बात हुई थाने अलीपुर थाने वालों ने बात की तब कह रही थी वो बेहोश हो गई थी आज अलग फिल्म दिखाई दे रही है समझ में नहीं आ रहा हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तब आपको क्या लगता है मतलब सच में चोट लगी है या नहीं लगी? चोट नहीं लग रही उसको क्योंकि मेरी वाइफ ने जिस हम सिंगू गए थे उस दिन बता दिया था वो बेहोश हो रही है बेहोश होके गिर गिरी है तो खाम खाई बांधने इनके घर वाले बना रहे मेडिकल देके तो मेडिकल जो ये क्या चार थोड़ी बन जाएगा भाई मेडिकल बनवाया तो चोट दिखाई तो होगी डॉक्टर सही भाई 5,000 रुपए देगा बनवा लो मेडिकल पैसों की पावर दिखा रहे हैं हमें हॉस्पिटल क्यों नहीं बता रहे फिर वो मैं तो पति हूँ उसका तो ये अभी आपको सुधरा नहीं है ना। अरे कैसे नहीं सुधरा भैया ये बताओ जब 2 तारीख को उसने सारी हाँ भर दी मीडिया की आगे आगे फिर कमी कहाँ रहेगी ये तो बताओ ये तो सीधा सीधा दिख रहा है षड्यंत्र रख रहे हैं वो हमारे खिलाफ मेरी वाइफ प्रेशर में अभी भी ये तो सीधा दिख रहा है सभी को दिख रहा है कोई नहीं देखते कब तक कितना टाइम लगेगा आएगी जल्दी आएगी उम्मीद है जल्दी आएगी भरोसा है इतना तो भाई ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी मैं और मेरा चैनल भी यही उम्मीद करते हैं भगवान से यही दुआ करते हैं कि भाई परवीन और ज्योति जी का परिवार सकुशल मंगल खुशमय जीवन व्यतीत करे बहुत जल्दी इनका परिवार पूरा हो जाए इस 2 महीने के बच्चे को और उस 3 साल की गुड़िया को अपनी माँ वापस मिल जाए और ये हंसी खुशी अपना परिवार दोबारा से जीवन जो है बिता सकें नया एक नया जीवन चक्र स्टार्ट कर सकें। और यही लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया था आगे भी प्रवीण ज्योति मामले में या फिर जो हरियाणा के अलग अलग मुद्दे हैं उनसे जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहे खोज हरियाणा से। सारे दर्शकान जो है भाई एक बार फिर थे मेरी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई जय हिंद जय भारत सत्यमेव जयते।